उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में पछुआ दून के चाय बागान में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की अगुवाई में समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया पौधारोपण। वहीं बड़ोवाला क्षेत्र की पार्षद वीना रतूड़ी ने कहा कि हरेला पर्व के इस अवसर पर उत्तराखंड वासियों को बधाई और संदेश देती है कि सभी लोगों को एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पौधा लगाने से हमारे चारों ओर हरियाली व शुद्ध हवा का आगमन होता है व पूरे क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर मन में सुकून और साथ ही साथ शरीर निरोग भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ चाय बगीचे के कारखाने में मैनेजर पद पर नीरज शर्मा ने कहा कि विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की अगुवाई में आज यहां पौधारोपण किया गया व विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और कहा कि जहां जहां भी पौधों की आवश्यकता होगी उनके द्वारा वहां पौधे लगाए जाएंगे और पूरे देहरादून क्षेत्र को हरियाली से भर दिया जाएगा। पेड़ पौधे लगाने से सभी क्षेत्रवासियों को शुद्ध वातावरण मिलेगा। देहरादून से संवाददाता प्रमिता सारंग की रिपोर्ट। आज आज हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 93 में माननीय विधायक जी श्री सहदेव पुंडीर जी के द्वारा यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी की उपस्थिति रही और यहाँ पे वृक्ष लगाए गए और हम सब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ थे और हमने 189 बूथ पर यहाँ पर वृक्ष लगवाए। उसमें हरड़, बेहड़ा, कुछ फलदार वृक्ष, कुछ छायादार वृक्ष और यही सब पेड़ थे उसमें। शर्मा जी, आज जो है हरेला पर्व पे उसमें जो है यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, किस किस तरह के पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ पर विधायक जी जो यहाँ पर आए हैं किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? बस अब मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, इस हरेला पर्व के जी पूरा माह चलेगा हमारी तरफ से, तो हम लोग पौधे लगाएंगे, निरंतर लगाएंगे। आज जो हमारा विशेष प्रयास रहा मैडम का, हमारी जो पार्षद हैं बीना रतूड़ी मैम और माननीय विधायक जी सहदेव सिंह पुंडीर जी भी आज उपस्थित रहे, उनकी गणमान्य उपस्थिति हमारे लिए गौरवमय रही। और हम शीशम के, फलदार वृक्ष जैसे अमरूद के, कई तरीके की प्रजातियों के हम वृक्ष लगाएंगे पूरे इस पूरे माह, इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वृक्षों से ही, अब जैसे कोरोना काल आया था आप लोगों ने देखा, ऑक्सीजन के लिए दुनिया तरसी थी, तो पौधों से अच्छा उदाहरण हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हम निरंतर पौधे लगाएंगे तो हमें इस तरीके की आपदा का दोबारा से शायद ही भविष्य में सामना करना पड़े। और सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं हरेला पर्व की देना चाहता हूँ। तो पौधे लगाने के लिए सिर्फ ये एक जगह है या और जगह भी आप? नहीं, मेरे पास बहुत सारी जगह है, हमारा टी स्टेट बहुत बड़े एरिया में है, मैं टी स्टेट में भी पूरे महीने पौधे लगवाऊंगा और टी स्टेट से बाहर भी जहाँ जहाँ पे भी मतलब बन सकेगी मैं हर जगह पौधे लगाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। नहीं लगता कि ये तो जंगलात एरिया है जहाँ पेड़ पौधे ऑलरेडी जंगलात मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर जहाँ पेड़ पौधों की आवश्यकता है, जरूरत है जी, वहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है जी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए हम मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग से ही ऐसी जगह पे चिन्हित करके उन जगहों को वहाँ पे भी पौधे लगाने का हम प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि लगाएंगे ही लगाएंगे वहाँ पे भी हम लोग पौधे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय बागान में ही हमने पौधे लगाने, हम हर जगह पौधे लगाएंगे और निरंतर इस कार्य को जारी रखेंगे। और मेरी जनता से भी यही अपील है कि सभी लोग कम से कम हर प्रत्येक व्यक्ति हर घर में से एक एक पौधा तो अवश्य लगाए, तो मेरी सभी से यही अपील है।